हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ सिंघाड़े के आटे की रोटी। और ये रोटी की खासियत है जो उसका फ्लेवर है वो धनिया का फ्लेवर है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है और इसे आप दही चटनी और करी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने आज दही और चटनी के साथ ग्रीन चटनी, व्रत वाली ग्रीन चटनी है ये देखिए, इसके साथ सर्व किया है। रोटी देखिए बहुत ही पतली पतली रोटी बनी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम ऑयल में। सबसे बड़ी बात है बहुत ही कम ऑयल में ये रोटी बनकर तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। सिंघाड़े के आटे की रोटी के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के उबले आलू लिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी धनिया चटनी जो व्रत में बनाते हैं, काली मिर्च, नमक सेंधा, स्वाद अनुसार व्रत वाली नमक, और सिंघाड़े का आटा। मैंने यहाँ पे 3 कप आटा लिया है। तो चलिए अब इसका डो रेडी करते हैं। के लिए इन सभी चीजों को मिक्स कर दें। इसमें पानी का यूज नहीं करना है, यूं ही आटा डाल के थोड़ा थोड़ा डो रेडी करना है। ये देखिए इस तरीके से सब मिक्स कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चटनी का यूज किया है। चलिए अब इसका थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इस डो को रेडी करते हैं। तैयार है ये देखिए, एकदम अच्छा सा डो रेडी हो गया है। अब इसमें रखते हैं थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा डस्ट करने के लिए, ताकि रोटी बना सके। और इसकी चपाती बनाना शुरू करते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे पैन या तवा जो भी आप यूज करेंगे वो गर्म होने के लिए रख दीजिए, ताकि जितनी देर में आप चपाती का रोल रेडी करें उतनी देर में तवा भी गर्म हो जाए। क्लीन कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे रोटी बना सकूं। और अब लीजिए डो में से एक छोटा बॉल, ये देखिए मैंने इतना बड़ा बॉल आटे का लिया है। इसे कर ले इस तरीके से थोड़ा सा चिकना, डस्ट में से थोड़ा सा डिप, बस डस्ट इस पे लगाइए। और अब इसे हल्के हाथ से बेलना है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर देके मत बेलिएगा, सॉफ्ट होते हैं बहुत, टूट जाएंगे। ये देखिए हल्के हाथ से इसे बेलिए। ये देखिए कितना अच्छे से रोटी बेल गया है। और इसकी थिकनेस देखिए, बहुत थिक नहीं रखना है, बहुत थिन भी नहीं रखना है, नॉर्मल जो आपने चपाती का था उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो पैन गर्म हो गया है, अब इसे पैन में डालने के लिए क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो पैन में डालने के लिए पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, बहुत आधे चम्मच से भी कम, नॉन स्टिक है तो टेंशन नहीं है ज़्यादा। और अब डाल देंगे इस चपाती को, पैन ऑलरेडी गर्म है। और इसको मीडियम हीट पे पकने दीजिए एक साइड। हम एक और रोटी रेडी कर लेते हैं रोल करके, ताकि उसके निकालते ही इसे डाल सके। और आपका गैस सिलेंडर यूज करते तो सिलेंडर, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करते तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, तो इसे रेडी करके रखते हैं। ये देखिए उसी तरीके से मैंने इसे भी बेल लिया। ये देखिए ये भी बेलकर तैयार है। चलिए अब उसे देखते हैं, एक साइड पक गया होगा, ये एक साइड पक गया है। ऊपर में आप इसे ध्यान से देखिए तो अलग टेक्सचर दिखेगा, वो टेक्सचर देख के आप समझ में आ जाएगा कि ये पक गया है। इसे टर्न करने से पहले इसके ऊपर के तह पे थोड़ा सा घी लगा दें। अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश यूज कर सकते हैं, एकदम हल्का सा घी, आधे चम्मच से भी कम घी है। और अब इसे करते हैं टर्न, टर्न करते हैं। ये देखिए ये हो गया टर्न। अब दूसरे साइड भी पका लेते हैं, कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे से सिक गया है एक साइड, ये खाने में उतना ही स्वाद। और इसमें जो हरी चटनी डली है उसकी वजह से इसका स्वाद और एनहांस हो जाएगा और अच्छा स्वाद आएगा। आप इसे नॉर्मल दही चटनी, या अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, उसके साथ खा सकते हैं।
या फिर आप कढ़ी बना रहे हैं तो भी इसे खा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सिंघाड़े के आटे की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, जल्दी आपके सामने रेसिपी आएगी, उसे ज़रूर ट्राई करें। और ये दोनों तरफ इसे हल्का हल्का सेक लें, सेकने से पहले थोड़ा सा हीट बढ़ा दें। तो ये एक साइड हो गया है, सिक गया है अच्छे से, ये देखिए दूसरी साइड भी सिक गया है, साइड भी सिक गया है। बहुत अच्छी सी पतली सी रोटी है, बहुत मोटी नहीं है, और ये बनकर तैयार है। चलिए इसे करते हैं सर्व। उससे पहले ये जो दूसरा बेल कर रखा था इसे भी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी घी मैंने यूज़ किया है तो उसमें नॉन स्टिक थोड़ा है, तो अभी मैं घी और अलग से नहीं डाल रही, टर्न करते वक्त थोड़ा सा डालूंगी। देखा, दूसरे में तो और भी कम घी लग रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वाद से भरा है सिंघाड़े के आटे की रोटी, इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। चलिए इसे करते हैं सर्व। रोटी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी बनी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे की रोटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद रसोई रेसिपी बाय अंजलि।